ऑड एक्शन बॉलिंग स्टाइल है कि जब आप बॉल डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपकी नज़रें नीचे होती हैं, मतलब जैसे आपको किसी ने कहा हो बा अदब बा मुलायजा निगाहें नीचे, तो फिर उसके बावजूद आप वो सही लेंथ और लाइन पर बॉल कैसे डिलीवर कर देते हैं? नहीं नीचे नहीं होती, साइड पे होती है। फिर भी मुश्किल है और वो राइट आर्म से नहीं बॉलिंग करते, वो लेफ्ट आर्म से। नहीं नहीं साइड पे जरा बात क्लियर कर दे, चेयर गर्ल साइड लेवर रहन दो ना। मेरा एक्शन इस पे काफी, जहाँ भी जाता हूँ हमेशा सवाल होता है, नेचुरल है, इसमें मेरा वो कोई कमाल नहीं, खैर कमाल हो भी नहीं सकता, ये कोई डेवलप नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी को कोच करूँ और इस तरह का एक्शन बनाने की कोशिश किसी और उसको बोले कि तुमने देखना इधर बॉल उधर मत। हाँ, जब मैं भाग रहा होता हूँ जंप जब तक लेता हूँ तो मेरा फोकस होता है, मेरी नज़रें वहीं होती हैं। वो जब मैं मेरी जब आर्म्स रोटेशन होती है तब मेरी गर्दन जो है वो एक साइड पे राइट साइड पे यूँ गिरती है, तो उससे पहले तक मेरा जो फोकस होता है वो मेरी नज़रें जो मैंने बॉल पिच करना होता है वहाँ पे होता है। अच्छा। तो उससे मैं जगह पे बॉल गिरा लेता हूँ, मुझे जगह पे बॉल मारनी आती है। मारनी आती है, क्या बात है। ताना शेर भाई ते बने हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, निगाहें इधर होंदियां ने निशाना सीधा सेंटर विकेट। जो बैट्समैन धोखा देना ना आखिरी टाइम नजरां फेरना तो उसकी नजरां भी इधर चलियां जानियां बॉल विकटां ते। कई बैट्समैन ते ये भी कहंदे ने यार सुहेल तनवीर नाल नहीं खेलना, ग्राउंड जाते ही अखां फेर लैंदा। अब यही देख ले कि जिंदगी में जो हमसफर मिला है ने तो वो भी निशाना ठीक लग गया, लव मैरिज है माशाल्लाह इनकी। माशाल्लाह जी जी। अब कैसे हुई? बस इस तरह नीवी पाके दौड़े ने सीधा यार कर मारे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा ना करो, हाथ पकड़ लिया। देखनी है किधर ते बधाइयां किधर। तो खानदान से थी या फिर आपके साथ पढ़ती थी या? नहीं खानदान से नहीं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली का आना जाना था। और ऑनेस्टली मतलब हमारा को आपस में ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं थी शादी से पहले। पठान हैं तो पठानों में आपको पता है कि पर्दा वगैरह वो ज़्यादा होता है, तो हमारा इतना कोई ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं था। अच्छा। पसंद मेरी भी थी और घर वालों की भी थी। तो अच्छा। आप कहें कि लकी था कि वो कोई, वो कहते हैं ना जालिम समाज वाला हिसाब नहीं हुआ, टेंशन नहीं। दोनों दोनों तरफ से मतलब पेरेंट्स की भी मर्जी शामिल थी। नहीं माशाल्लाह आप क्रिकेटर हैं, फिर खूबसूरत है और फिर जवान और फिर मतलब एक द्रास का और हर तरह की खूबी अल्लाह ताला ने डाली हुई, मतलब कोई ऐसी चीज थी नहीं जो कमी में आए कि जी फला चीज अच्छी नहीं है सिवाय के खबू हो तुसी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम, आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा जीवन साथी दिया। शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। जब आप इतना ट्रैवल कर रहे होते हैं और काफ़ी काफ़ी टाइम तो अपनी फैमिली के साथ होते नहीं होंगे तो फिर वो किस तरह से मैनेज करती हैं? मुश्किल है बहुत। कभी नाराज़ होती हैं? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अभी रिसेंटली मैं वेस्ट इंडीज़ में था तो टूर थोड़ा लंबा हो गया कोई अबाउट 2 महीनों के लिए। जो वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा टाइम ला लिया ना तो भाभी ने उसे फ़ोन करके किया वो उधर क्या तुमने देखा कालो कालो में मैं उधर 1.5 महीना लग गया वो जल्दी जल्दी घर पहुंचे वरना मैं वटा मारा गया। इन्हें भाभी ने तो शक ही नहीं किया, उन्हें पता वेस्ट इंडीज गया उसे ज्यादा से ज्यादा किन्नी सोनी होगी कोई उत्थे जाके तो दिल ही नहीं लग रहा होना, उत्थे तो इंज ही फिर रहे जिम्मे बंदा वर्कशॉप फिर रहा हूँ, कोई इधरों मकैनिक जा रहा कोई उधरों मिस्त्री जा रहा, काले ज्यादा होंगे उन्होंने इस गल का रिश्ता नहीं होंगे कि जी बंदा जाके पुछता कि जी कुड़ी कि सोनी है नहीं थोड़ी चिट्टी है असं नहीं करना। एक और टैलेंट माशाल्लाह मेरी दोस्त समीना का, शायर है, तो कोई तड़कता भड़कता सा हमें शेर भी सुना दीजिए। विजय शायरी किया करती थी जब स्टूडेंट थी, अब तो बहुत अरसा हो गया कि बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, उसकी वजह ये कि वक्त नहीं मिलता। जैसे मैंने बताया कि फैमिली को प्रेफरेंस देती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बच्चे हैं मेरे बहुत छोटे छोटे से, उनसे वो बहुत ज़्यादा वक्त ले लेते हैं। माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ अदर देन जॉब, तो बड़ा कम वक्त मिलता है अब, लेकिन जब किया करती थी तब का एक शेर सुना देती हूँ। जी शायरी तो शादी के बाद आती है। वो बड़ी दुखी वाली शायरी होती है बाद में की जाती। जी इरशाद। ये जो मोहब्बत है एजाज़ सिफत होती है, एजाज़ सिफत होती है, ये जो मोहब्बत है एजाज़ सिफत होती है, दिल हो कशकोल में रखा तो नहीं हम लेते। ओए हाय। दिल कशकोल पे रख के किया हमने जबर, अभी सुनाते हैं आपको एक ताजा खबर। मेरा पेगा तेरते सबर, अभी सुनाते हैं एक खबर। हर वेले मेरे पिया रहना मगर किदों आएगी तेरी खबर। जद बनेगी तेरी खबर। एक और टैलेंट माशाल्लाह। वो किया सिंगर भी है, गाती है माशाल्लाह। इन्हां नु सारे काम मानदे ने, पता कर लो कि तेरे मोटर भी ठीक ना कर लेंदे हो।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਚਾਚਾ ਆਪਕੀ ਟੋਪੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਏਗੀ ਨਾਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਘਰ ਕੇ ਪਰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਇਹ ਪੰਖਾ ਆਪਕਾ ਬੜਾ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੇਚ ਕੱਸ ਦਿੰਦੀ ਉਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਲਾ लेकिन ये ठीक है मोटर तो खैर नहीं ठीक कर पाती लेकिन छोटा मोटा स्विच बदलना हो या इस तरह का थोड़ा बहुत काम हो वो मैं कर लेती हूँ मतलब पेचकस निकलेगा निकल आएगा ये कोई इतना अनयूजुअल नहीं है ये हो सकता है भाई अभी ये भी पता नहीं है कह दे कि मैंने 50 भी की हुई टैलेंट हो सकता है ये तो थोड़ी एग्जैजरेशन होगी है वैसे क्रिकेट में शौक बहुत है बचपन में थोड़ा अब्बू जब भाइयों को खिलाया करते थे तब मैं बॉल फील्ड करके उन्हें दे दिया करती थी तो ये तो कुछ सुना दीजिए ना सुरीला सा फिजा आप तो खुद बहुत अच्छा गाती हैं और एलिजाबेथ की तो मुझे इतनी प्यारी लगती है आवाज़ और क्या स्वीट गाती हैं ये तो आप दोनों की मौजूदगी में तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही कि मैं कुछ यहाँ पे बेसुरी महफिल जमाऊँ तो सुहेल कहते थे सुहेल कह दीजिए ना कुछ गा लें प्लीज मैं कुछ गा जरूर देती हूँ लेकिन ये शायद उतना अच्छा ना हो जी होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो होंठों से छू लो तुम मेरा गीत का सुनापन मेरे तनहा मन में पायल चनकाती तुम आ जाओ जीवन में सांसें देकर अपनी संगीत गीत अमर कर दो बहुत माशाल्लाह 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 ओए अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार ने लूट लिया ਕਰ ਯਾਰ ਕਾ ਖੈਰ ਭੈਣ ਜੱਟ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੁਖੀ ਗਾਨੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇ ਵੀ ਨਾ ਓਏ ਅੱਛਾ ਸਿਲ ਓਏ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਕੜੇ ਦੀ ਉਂਝੀ ਏ ਮੌਲਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਲਕ ਹਾਕੂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਡਲੇ ਨੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਮਲਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਣੇ ਕੇ ਹੱਥ ਔਰ ਖਾਣੇ ਕੇ ਹੱਥ ਔਰ ਓ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਦਾ ਨਾ ਕੜਾਕਾ ਕੜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਡਲੇ ਨੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੂਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਰਾ ਕੱਢਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਖਾਵਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬੁੱਢੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਉਂਝ ਕੱਢ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਅਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬੀਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਆਦਮੀ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਕੱਢ ਦੇ ਓਏ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਓਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਦੇ 1500 ਦੇ ਮੁਟਿਆਰੇ ਧੀਆ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ
ये लेता ही माँ बहनों से है। तुम पता क्या करो, अडियाला में ना एक अच्छा सा स्वीट रूम बनाओ और उसके बाहर लिख दो नॉन फैमिली, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में से किसी एक ने दो दो रहना ही रहना है। ज्यादा स्वीट ना बना ली, मतलब तू लेट हो तो कमरे में कीड़े चढ़े हो। ओ मैं अपने भरा की मुलाकात ते जाना है। ते जा साढ़े को तेरी मोटरसाइकिल की चाबी। ओ मैं अपने भरा की जमानत किवें करवावा। उन्हें तेरी नहीं सी कराई, तू ओदी ना करा हिसाब बराबर। ओ मैनू को हल दसो के मैं इस लाडले नू किवें कड्डा। एदा इको ही हल है सोने, केड़ा? 5 साल उन्हू कट लैन दे ते तू मुप च है। ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਏ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ।